मेक सेंस? ठीक है, आप लोग का धैर्य टूटा तो नहीं अभी? ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम पूरा फिनिश करेंगे। साक्ष्य प्रमाण के तीन प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ेंगे, अवनीश प्रभु पढ़ें। हरे कृष्ण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण अति उत्तम नहीं होता, क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह एक छोटी सी थाली सा लगता है, किंतु यह अनेक लोकों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है। तो ऐसा देखना किस काम का है? अतएव हमें पुस्तकें पढ़नी होती है, तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं। अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता। जैसे कि हम सब लोग देख सकते हैं, और इसमें एक फोटो भी दिखाई गई है कि एक पेन को अगर आप ग्लास में डालेंगे तो पानी जहां पे हवा से मिलता है वहां पे आपको टेढ़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं सूर्य का, सूर्य दिखने में एकदम छोटा लगता है। बार बार लोग जब बोलते हैं भगवान को किसने देखा है, भगवान को किसने देखा है, मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ कि मान लीजिए भगवान आपके सामने आ भी जाए, ये कैसे मालूम चलेगा कि ये भगवान है? कोई व्यक्ति बताना हो पड़ेगा ना कि ये व्यक्ति देखे भाई साहब बड़े, बहुत बड़े बड़े नहीं, इन्होंने पूरी जगत की सृष्टि करी है, ये भगवान है। और तब भी आपको डाउट होगा ये कैसे डाउट कर सकता है, भगवान कैसे हो सकते हैं? और आप देख सकते हैं जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दुर्योधन को दिखाया तो उसने तभी विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है। विराट रूप देखने के बाद भी कह रहा है नहीं, ये तो कृष्ण कोई माया कर रहा। तो ये जिन लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं करना होता है वो हजारों रीजन निकाल लेंगे भगवान पर विश्वास ना करने के लिए, और ये उनकी दुष्कृति या पाप का ही सूचक है। देख करके तो आप खैर कुछ भी नहीं समझ सकते, देख करके आप कुछ नहीं समझ सकते। एक बार एक ब्राह्मण आईआईटी में आए थे और बोले कि अब बताओ मैं कौन, मेरा मातृभाषा कौन सी है, क्योंकि वो कम से कम 10 या 12 तरह की भाषा एकदम फ्लुएंट बोलते थे। तो फिर उन्होंने यही बताया कि आप देख करके कुछ नहीं समझ सकते हो। और प्राय हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं अरे देख के क्या अंदाज लगाओगे, बहुत चालू आदमी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? शक्ल पे मत जाइए, बहुत चालू आदमी ऐसे करेंगे। तो हम देख करके कुछ नहीं समझ सकते। और इस पे एक और उदाहरण आ रहा है, मान लीजिए एक लड़के को बता रहा था मैं कि देखो ये हाई टेंशन का वायर है, दिख रहा है कुछ इसमें करंट जा रहा है? तब कहने में प्रत्यक्ष रूप से देखूंगा तो छू के देखो जरा, उसके बाद तो हम देखने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए हम देख करके विश्वास कर लेते हैं, हाँ 11,000 वोल्ट, हाँ दूर रहना भाई दूर रहना, लिखा हुआ 11,000 वोल्ट। तब कहने कौन, किसने देखा है, किसने लिखा है, हम लिखे हुए पे क्यों विश्वास करें, हम तो छू के देखेंगे। तो ये पूर्खता है ना, बिल्कुल शांत लगता है ना। और आप कहेंगे देखो चिड़िया उसमें बैठ रही है, करंट ही होता तो चिड़िया को लगता नहीं। तो वहां हम अपनी बुद्धि लगाते हैं कि नहीं भाई चिड़िया को करंट इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि उसको अर्थिंग नहीं मिल रही है, और मैं अगर छूंगा तो मेरा तो बैंड बच जाएगा। तो यानी कि हम ज्ञान के चक्षु से देखते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल और देते थे कि कार खराब हो जाती है तो आपको दिख रहा है ना कार खराब पड़ी हुई है, लेकिन मैकेनिक कैसे देखता है उसको, अच्छा उसका कार्बोरेटर में ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए ज्ञान से देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, केवल आंख से देखने से कुछ नहीं होता। ओके, या और अनिंद्रियों से भी हम नहीं देख पाते, लेकिन फिर यार ध्यान रखिएगा भगवान गीता में बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्मम, मतलब अगर भक्ति करते रहोगे तो भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा, साक्षात भगवान से आप हाथ मिला सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी ने हाथ मिलाया था, और ये जीवन का परफेक्शन है। या फिर जैसे कि ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा साक्षात, नारद मुनि ने देखा, लेकिन ये जो प्रत्यक्ष है ये आपको श्रद्धा के रास्ते पे चल के मिलेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इट इज नॉट बाय डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, बट भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, तब आप प्रत्यक्ष रूप से देख पाओगे। ये अलग, ये दिव्य प्रत्यक्ष है, भौतिक प्रत्यक्ष नहीं। ठीक है। अनुमान प्रमाण। अब आता है अनुमान। अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है, उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है, वह वैसा हो सकता है, लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है। यह एक सुझाव है और पूर्ण भी नहीं है, किंतु यदि आप प्रमाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है।
यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप उसे अस्वीकार नहीं करते। इसके लिए आपको कोई प्रयोग नहीं करना होता है, क्योंकि यह ज्ञान प्रमाणिक स्रोत से प्राप्त हुआ है। एक और उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन इंक्वायरी ऑफिस में गए और पूछा कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, तब उससे पूछेंगे गए हो तुम कभी नेपाल गए हो, कभी तुम गोंडा गए हो जो मुझे बता रहे हो, तो कहेगा नहीं भाई ये तो लिखा हुआ है, मैं गया तो कहीं नहीं हूँ लेकिन ये लिखा हुआ है इसको मैं आपको देख के बता रहा हूँ, और हमको वो सही इन्फॉर्मेशन देता है कि नहीं देता। तो इसलिए कोई व्यक्ति वहां ना भी गया हो उस स्थान पे, लेकिन अगर प्रमाणिक स्रोत से सुनकर के आपको बता रहा है तो सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। और अनुमान से आप जा सकते हैं, अनुमान से ट्रेन पकड़ सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना, कि जैसे आप ट्रेन भी पकड़ते हो तो एक प्रॉपर वेबसाइट पे चेक करते हैं, या फिर आप प्रॉपर नंबर डायल करते हैं, कोई कहे भाई कोई भी नंबर डायल कर दो मालूम चल जाएगा, अंदाज से कितने बजे ट्रेन आएगी आपकी। मैं समझता हूं ऐसा मेरा मानना है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। या फिर एग्जाम में पेपर आया तो वहां पे लिख दे ऐसा मैं सोचता हूं, आई थिंक सो कि इस प्रश्न को उत्तर ऐसा होना चाहिए, तो टीचर भी कहेगा मैं ऐसा सोचता हूं कि आपको जीरो मिलना चाहिए, आप फेल हो गए। तो देखिए कि जितना हम बात, क्योंकि भौतिक जीवन में हम उस चीज को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए वहां हम इस प्रकार की बातें नहीं लिख सकते, है ना। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मानता हूं वैसा मानता हूं तो हमको मूर्ख मानेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि किसी को तो कुछ पता नहीं है तो कुछ भी बोल दो, ये बात होती। खैर, हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में कैसे मालूम चलेगा वो है तीसरा पॉइंट, शब्द प्रमाण। ओके, दूसरा जो इसका पार्ट किया गया है अनुमान प्रमाण, तो अनुमान मतलब जैसे कि हम कुछ लाइक हाइपोथेसिस एक तरह की, yes. तो हाइपोथेसिस को एक प्रमाण की तरह क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक प्रमाण नहीं है लेकिन अनुमान से हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि हमने चर्चा किया था पार्ट नंबर 4 में कि जब हम जगत को देखते हैं, डिजाइन को देखते हैं, तो डिजाइनर का अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान की कोई अनुमान परफेक्ट नहीं है लेकिन कुछ अंदाजा जरूर दे सकता है। जैसे आप हैं यहाँ पे तो निश्चित रूप से आपके माता पिता हैं, निराकार तो नहीं हो सकते। अब वो जिंदा है नहीं है उनको नहीं पता, मैं यहाँ पे हूं तो मेरे माता पिता तो रहे होंगे ना, कभी पेड़ से तो नहीं पैदा हो सकता। तो ये अनुमान तो निश्चित रूप से लगाया जा सकता है कि इसके माता पिता होंगे, अभी है, अच्छे हैं बुरे हैं होंगे नहीं, मतलब जिंदा है नहीं है, प्रेम करते नहीं करते, वो सब नहीं पता। क्योंकि हमारी जैसे मैं पूछता हूँ कि आपकी उम्र कितनी है तो अनुमान लगाना चालू कर देते हैं। तो ये प्रमाण नहीं है, ये कुछ हद तक अंदाजा दे सकता है हमको। इसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अगर आप देखें तो प्रमाण करते हैं हम, इसके द्वारा इन तीनों के द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष एक चीज देख रहे, हाँ कुछ आचार्य लोग देखे हैं भगवान को, तो एक तरह का प्रमाण हो गया, ठीक है शब्द क्योंकि शास्त्रों से आ रहा है, लेकिन अनुमान ये देखिए एक मिनट आपने प्रत्यक्ष प्रमाण को ठीक से नहीं समझाया। शास्त्रों के अनुसार चल करके आचार्यों को जो अनुभव प्राप्त हुआ वो शास्त्रों का ही अनुभव है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं डाला जाएगा। ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पे बताया जा रहा है वो है जो हम एक भौतिक बद्धात्मा अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करता है, दिव्य प्रत्यक्ष की बात नहीं की जा रही। जैसे कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के बारे में बता रहे हैं, वो प्रत्यक्ष तो है लेकिन वो दिव्य प्रत्यक्ष है, और वो प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी को जब उन्होंने कई हजारों साल तपस्या किया था, और वो तपस्या उनका एक पर्टिकुलर केस है कि उनको हृदय में सारा ज्ञान दिया गया था। लेकिन हमारे लिए शास्त्र का जो वचन है वो उसके अनुसार जब हम उसके अनुसार जब हम चलेंगे तो वो दिव्य प्रत्यक्ष प्राप्त होगा, लेकिन वो दिव्य प्रत्यक्ष शास्त्र के अनुसार ही होगा। जैसे ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, ये शास्त्र बोल रहा है, और जब भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन आपको अनुभव भी होगा कि कृष्ण किस प्रकार से सच्चिदानंद विग्रह है, यानी आपका अनुभव शास्त्र से मैच करेगा, ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाला नहीं है। थोड़ा समझिए मेरी बात, आपका जो अनुभव है वो शब्द प्रमाण से ही मैच करेगा। गुरु और साधु शास्त्र से अलग कुछ नहीं बोलते भाई, जैसे नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान का ये रूप है तो वही शास्त्र में भी है और वही रूप भी है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सोचिएगा।
ओके प्रभु जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, अनुमान प्रमाण जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि डार्विन ने एक फिलॉसफी थी उनकी कि हम लोग का जो बर्थ हुआ है वो बंदरों से आते हैं, yes. तो वो एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनुमान के बेसिस पे उन्होंने yes. ये चीज कह दिया। और वो कभी उन्होंने किसी ने देखा है कि बंदर ने इंसान में जन्म लिया? वो एग्जिस्ट करता तो बंदर नहीं होते। बेसिकली यहाँ पे प्रश्न ये था कि जैसे हमने जब प्रमाण के तीन टाइप्स की बात की तो उसमें एक अनुमान भी एक टाइप बनाया। अनुमान का प्रमाण का अर्थ है कि इसके द्वारा कुछ ज्ञान होता है। अनुमान के द्वारा जब प्रमाण की बात करी, इट्स नॉट इन द सेंस ऑफ प्रूफ बट इन द सेंस ऑफ गेटिंग सम नॉलेज। हाउ वी गेट नॉलेज, अगर आप देखें यहाँ पे लिखा है ना, शुरुआत कैसे हुई थी, तीन प्रकार से हम लोग साक्ष्य प्रमाण बताए जा रहे हैं, तीन प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अनुमान के द्वारा भी हम कुछ, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान सही होगा जरूरी नहीं है। जैसे मैं बोलूँ कि अभी क्या टाइम हो रहा है, तो बहुत बार हम बोलेंगे 7 बज रहा होगा, तो हो सकता है सही हो जाए। हमारे अनुभव है क्या, इस टाइम 7 बजता है, ऐसा मौसम होता है तो 7 बजता होगा, तो इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं हम। लेकिन ये अंदाजा ही है और इसमें हाँ चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये अंदाज लगा सकते हैं। और इसमें जो आपके जो डाउट आ रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुमान के द्वारा हम सही सही अंदाजा नहीं लगा सकते। इस जगत में भौतिक वस्तुओं के बारे में भी सही अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, तो भगवान के बारे में तो नहीं लगा सकते। तो यही बात समझाई जा रही है कि प्रत्यक्ष और अनुमान जो है ये परफेक्ट नहीं है। नहीं, प्रत्यक्ष तो एक चीज, तो इसमें एक चीज तो समझ में आ रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष में ये हो गया कि हाँ, जैसे माइक पे बोलिए, अर्जुन भी इस चीज को बताते हैं कि प्रत्यक्ष बहुत लोगों ने माना भगवान है, नारद जी ने सबने प्रत्यक्ष किया। शब्दों को ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, प्रत्यक्ष में माना ऐसा नहीं होता है। प्रत्यक्ष में मानने वाली बात नहीं हो रही, इसमें बोला रहे असत देवलो व्यास स्वयं सेव भविष्य में, नारद मुनि असत और देवल ऋषि ने बोला है, अब आप भी मुझे कह रहे हैं, आप ही मुझे बता रहे हैं। पर इन सारी सिचुएशंस में अर्जुन श्रद्धा रख रहे हैं, जब भगवान बोल रहे हैं तब भी श्रद्धा रख रहे हैं, और बाकी जब ऋषि मुनि ने बोला तब भी श्रद्धा रख रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने ये 10वें अध्याय बोला है, अभी तक भगवान ने विराट रूप नहीं दिखाया, अभी तक 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, तो ये 11वें अध्याय का नहीं है, उसके बाद भगवान ने विराट रूप दिखाया। तो यानी कि उसके पहले ही अर्जुन को श्रद्धा थी कि भगवान है, तो उनकी श्रद्धा जो है वो सुनने पे आधारित है। सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, आप जो भी कहते हो केशव मैं उसे विश्वास करता हूं, ये श्रद्धा है। और आप एक चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, श्रद्धा से हृदय में अनुभव भी होता है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जैसे जितनी जितनी अधिक व्यक्ति की श्रद्धा होगी उसी प्रकार से भगवान का जो दिव्य गुण है उसके हृदय में प्रकट भी होंगे। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय से विलोकयन्ति, इसके हृदय में प्रेम होता है भगवान के दिव्य स्वरूप को, दिव्य गुणों को वो हृदय में अनुभव कर पाता है। बट वी आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट इज कि ये दोनों ही प्रमाण, अंदाज लगाना भगवान के बारे में या सोचना कि मैं अपनी इंद्रियों के द्वारा सीधे देख पाऊंगा, ये दोनों ही तरह से भगवान को आप नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने का तरीका एक ही है और वह है शब्द प्रमाण। ओके कंटिन्यू, कौन पढ़ रहे हैं? अनुप पढ़ सकते हैं। शब्द प्रमाण, वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है, इसका दूसरा नाम श्रुति है। श्रुति का अर्थ है इस ज्ञान को मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है। वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनना होता है। दिव्य ज्ञान वह है जो इस ब्राह्मण से ब्रह्मांड से परे है। इस ब्रह्मांड के भीतर तो भौतिक ज्ञान है और इसके परे दिव्य ज्ञान है। इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी नहीं जा सकते तो भला आध्यात्मिक जगत तक कैसे जा सकते हैं? इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना असंभव है। एक आध्यात्मिक आकाश है, एक अन्य प्रकृति है जो व्यक्त तथा अव्यक्त के परे है, लेकिन आप ये कैसे जानेंगे कि एक ऐसे भी आकाश हैं जहाँ के लोग तथा निवासी शाश्वत हैं? यह सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे? यह संभव नहीं है, अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी। बहुत डीप बात है इसमें कि
केवल ये जान लेना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि इस पे कितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपका जीवन डायरेक्ट होगा। अगर आपको ये पक्की श्रद्धा है कि एक आध्यात्मिक आकाश है, तो आप वहां जाने की भरपूर तैयारी करेंगे, ना कि इस अशाश्वत जगत में रहने की भरपूर तैयारी करेंगे। और इसलिए जब बार बार सुनते हैं तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा खुलने लगता है कि ये जगत जो है ये कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, बल्कि बहुत ही क्षणिक रियलिटी है, और सारी चेतना इसी में अभिनिविष्ट कर देना ये बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं। तस्येव हेतो प्रयते तको विदः, जो बुद्धिमान लोग हैं वो केवल उसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो ऊपर के लोगों से लेके नीचे के जितने भी लोग हैं उसमें प्राप्त नहीं हुआ है, और वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। इस श्लोक अभी और बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि तत्व जिज्ञासा के लिए ही मानव जीवन प्राप्त है और किसी के लिए भी नहीं। मैं अभी भूल रहा हूँ उसका श्लोक किस तरह से बताया जा रहा था, उस दिन महाराज बता रहे थे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द प्राइमरी एम ऑफ लाइफ, नॉट अ सेकेंडरी प्रायोरिटी। और आजकल की जो एजुकेशन है, कृष्ण भावना तो है ही नहीं, और अगर हम कृष्ण भावना स्वीकार भी करते हैं तो उसको एक सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखते हैं कि जब सब कुछ सेट हो जाएगा उसके बाद मैं भक्ति करूंगा या तो तुझे कैसा करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षता भगवद गीता है, जो सीधा कृष्ण से आई है। हमने भगवद गीता यथारूप प्रकाशित की है, क्योंकि हमने कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है। यह वैदिक ज्ञान है। चूंकि वैदिक ज्ञान शुद्ध होता है, अतएव हम उसे स्वीकार करते हैं। कृष्ण जो भी कहते हैं हम स्वीकार करते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। इससे समय की काफ़ी बचत होती है। यदि आप सही प्रमाण या ज्ञान स्रोत को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की अत्यधिक बचत होती है। उदाहरणार्थ, भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियां हैं, निगमनिक तथा आगमनिक, आरोह तथा अवरोह। थोड़ा समझना चाहिए, निगमनिक और आगमनिक, यानी आरोह और अवरोह। आरोह मतलब ऊपर चढ़ना, यानी अपनी शक्ति से कुछ जानने का प्रयास करना, अवरोह मतलब डिसेंडिंग नॉलेज, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उन्होंने बताया उसको स्वीकार कर लेना। यस। निगमनिक विधि में आप मनुष्यों को मर्त्य स्वीकार करते हैं, यानी कि सारे मनुष्य मरते हैं। ये आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है, आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है, हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य है, लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते। आप इसे तथ्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि मनुष्य मर्त्य है। यदि आप यह ज्ञान करने के लिए शोध करना चाहें कि ये क्या मनुष्य मर्त्य हैं, तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा, और तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो ना मरे, लेकिन आपने उसे अभी तक ना देखा हो। इसी तरह आपका शोध कार्य कभी समाप्त नहीं होगा। संस्कृत भाषा में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है। यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कभी भी ये सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसा असंभव है। यस। तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति प्रयास करता रहे, सोचता रहे, जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद बड़ा सुंदर दे रहे हैं कि सब आदमी मरते हैं, तो व्यक्ति एक प्रश्न रेज कर सकता है, क्या आपने सभी इंसानों को टेस्ट किया है? नहीं कर सकते। और अगर सभी इंसानों को टेस्ट करना भी चाहें तो क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे, आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे, हो सकता हो आयुष आप ना मरो, हो सकता हो ये ना मरें, सब मरेंगे। तो ये हम स्वीकार क्यों करते हैं? भगवद गीता में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसका जन्म हुआ उसको मरना ही है। तो एक सिंपल सा बात को भी स्वीकार करने के लिए हमको अवरोह पथ का अनुगमन करना होगा।
तो ऐसे कोई कहे प्रभु जी हम कैसे श्रद्धा रखें कि आध्यात्मिक जगत है, भगवद गीता में लिखा है। अब होगा क्या, जब भक्ति करेंगे तो शास्त्रों में आपकी सहज श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी। जब बार बार आप शास्त्र पढ़ते चले जाएंगे तो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं होता है, ये आपकी सहज श्रद्धा होती चली जाती है नाम के ऊपर, भगवान की भक्ति के ऊपर, जो बाकी शास्त्रों की बातें हैं उनको सहज रूप से श्रद्धा हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी उसके अनुसार हमारा जीवन का भी जो अलाइनमेंट है वैसे भी उसी तरह से हो जाएगा। हम कृष्ण के दास है, सुन लिया, अच्छा बार बार सुन रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो फिर ये भावना बढ़ती चली जाएगी, तो फिर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने लग जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। ज्ञान प्राप्ति के तीन उपाय कौन कौन से हैं, इनमें सर्वप्रथम कौन सा है और क्यों? प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और शब्द पे हमने चर्चा कर लिया था। शब्द सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसके द्वारा हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जो कि हम अपनी इंद्रियों के द्वारा सीधे अनुभव नहीं कर सकते। मनुष्य नश्वर है, ये जानने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? शास्त्र से श्रेष्ठ व्यक्तियों सुन लें। इस उदाहरण से आप क्या समझते हैं? समझते ये हैं कि सही ज्ञान हमको श्रेष्ठ लोगों से मालूम चलता है, ना कि अपनी बुद्धि लगाकर। बुद्धि इसमें लगानी है कि हम लोग अपूर्ण हैं, यहां तक बुद्धि लगानी, फिर हम ज्ञान ठीक से प्राप्त कर सकते हैं। आरोह व अवरोध पद्धति के कुछ और उदाहरण दीजिए। और कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं आप लोगों को? आरोह का, अवरोह का याद नहीं आ रहा? नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम यहां रुकते हैं, आगे की चर्चा फिर लोग देखते हैं कहां पे, या फिर एक ही पेश है तो फिर कर ही लेते हैं। वैदिक ज्ञान अमोघ है जो बाद में आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकार किए गए। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। गाय का गोबर पवित्र है तो कौन पढ़ेंगे? अनुप, आप में से आयुष पढ़ लो, हिंदी पढ़ लेते। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको जरा देखा जाए। ये दिखाता है कि वेदों में जो बातें लिखी गई हैं भले ही हमारी इंद्रियों के द्वारा हमको समझ में ना आए लेकिन वो बिल्कुल सत्य है। गाय का गोबर पवित्र है, वेद के समस्त कथन विशुद्ध सत्य हैं, उन्हें स्वीकार कर हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गाय का गोबर है, वेदों में इसे पवित्र कहा गया है। यदि हम यह सत्य स्वीकार कर लें तो हमें इस पर शोध करने की आवश्यकता नहीं है, यह सचमुच पवित्र है। मैं किसी दिन हैदराबाद में किसी गौशाला के पास से जा रहा था, वहां गोबर का अंबार लगा था। मैंने अपने शिष्य से पूछा, यदि इस प्रकार यहाँ मनुष्य का मल भरा होता तो क्या कोई यहाँ से गुजर सकता? नहीं, संभव नहीं था होता। पर गोमल या गोबर के पास से गुजरना कुछ कठिन नहीं, यह सत्य है। हम यह जानते हैं कि अन्य पशु का मल अपवित्र होता है, पर वेद यह कहते हैं कि गो का गोबर पवित्र है, सो यह सत्य है। इसी प्रकार शंख है जो जल जीव की हड्डी से बना है, वैदिक कथानुसार किसी पशु की हड्डी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, वह अपवित्र होती है। पर शंख जो एक जल जीव की हड्डी है वह भगवान के पास रखा जाता है। इस प्रकार वैदिक ज्ञान पूर्ण एवं सत्य है। किसी पशु की हड्डी या किसी पशु का मल पवित्र है, यह वैदिक ज्ञान से पता चलता है। इसके लिए शोध की आवश्यकता नहीं है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि वैदिक सत्य है। हाँ, और आप देख सकते हैं बाद में गोबर के प्रति संक्रामक गुणों का पता वैज्ञानिकों को 1940 ईस्वी में लगा। ध्यान देना ये चाहिए कि वैदिक साहित्य को या वैदिक ज्ञान को साइंटिस्ट के कंफर्मेशन की अपेक्षा नहीं है। हमें ये नहीं कहना चाहिए या सोचना चाहिए कि अरे प्रभु जी साइंस में तो ये लिखा है और वेदों में या भागवतम में तो ये लिखा है। भागवतम में बिल्कुल सही लिखा है, अब साइंटिस्ट समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं उनका प्रॉब्लम। ये विश्वास एक वैदिक विद्यार्थी को होना चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट के जो इंटरप्रिटेशन है या एक्सप्लेनेशन है उसमें वो चार दोष निहित हैं और भागवतम में वो चार दोष बिल्कुल नहीं। ये विश्वास होना चाहिए। अब कोई कहेगा प्रभु जी बोरोलिन भी तो एंटीसेप्टिक होता है, तो क्या बोरोलिन से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं? बोरोलिन से तिलक लगाएंगे भगवान?
भागवतम में हम क्या पढ़ते हैं, जब पूतना का वध भगवान ने किया तो गोपियों ने गोबर का तिलक लगाया, ना कि बोरलीन या और कोई कंपनी का जो माल है। तो एंटीसेप्टिक गुण ठीक है, साइज ढूंढ सकता है गोबर में, लेकिन बाकी अन्य कितने गुण हैं वो नहीं समझ पाएगा। और ये तो समझ ही नहीं सकता कि भगवान के विग्रह की सेवा के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कभी आप इसमें विचार करिए कि मल का उपयोग भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, तो गाय कितना पवित्र होगी हम तो सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अपने ही मल को व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता, और ये तो हमारे लिए कल्पनातीत है कि उस मल का उपयोग भगवान के लिए कैसे हो सकता है, तो कितनी पवित्र है और उसका कितना हनन करते हैं आजकल की सभ्यता में, क्योंकि वेद को नहीं मानते, कितना बड़ा पाप लेकर के वो सर पे उठा रहे हैं अपने। और दूसरा चीज आप ये देखेंगे, ये इंटरेस्टिंग प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, और आप लोगों को आश्चर्य होगा कि ये दोनों उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने चांद काजी को दिए थे, ये वाला दोनों एग्जाम्पल। ये जो उदाहरण भी है ये सीधे चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण है, साक्षात भगवान के उदाहरण है कि भाई अगर हड्डी, भाई ये कोई कहे शंख तो हड्डी है ये पवित्र है, तो किसी महान साइंटिस्ट की खोपड़ी लेके बजाया जाए तो ऐसा तो आप तर्क नहीं लगा सकते हैं। तो ये तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, और तर्क की बात ना मान करके शास्त्र की बात को माना जाए, माना चाहिए। दूसरा, पृथ्वी गोल है, पढ़िए पढ़िए आयुष पढ़िए। श्रीमद् भागवतम 5.20.38 में पृथ्वी का वर्णन के लिए भूगोल शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी गोल है। पूर्ववर्ती वैज्ञानिक पृथ्वी को एक सतह की तरह मानते थे, परंतु बाद में उन्हें पता चला कि पृथ्वी गोल है। तो आप ही देखिए कि उन वे हो सकता था वो इसी रिसर्च में चला गया कि पृथ्वी गोल है या नहीं है, और शास्त्र से आपको ऐसे मालूम चल जाता, टाइम वेस्ट हुआ ना। ठीक है, नेक्स्ट। पद्म पुराण में जीवों के 84 लाख योनियों का निम्न वर्णन है। कितनी लाख योनिया? 84 लाख, एक नहीं 84 लाख माइनस वन नहीं है, एग्जैक्ट 84 लाख। अब 84 लाख गिनने में हमारा पूरा संभव ही नहीं हमारे लिए, और हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे। जो मछलियाँ एकदम समुद्र के नीचे रह रही हैं उन्हें कैसे आप पकड़ेंगे? और आप देखेंगे बहुत बार डिस्कवरी चैनल में नए नए चीज़ आती रहती है, हम इतने गहरे गए हमको और नई मछली मिली, तो यही इसीलिए मानव जीवन मिला है कि मछली ढूंढते रहो। और ये कोई सभ्यता का प्रगति है कि मछली ढूंढ ली आप? ठीक। 9 लाख जलचर, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षियाँ, 30 लाख पशु, 4 लाख मनुष्य। इससे हम समझते हैं कि पेड़ पौधे में भी प्राण है, होता है। इसी निष्कर्ष पर बाद में जगदीश चंद्र बोस भी पहुंचे, जैसा कि वे अपनी पुस्तक रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग 1902 एवं द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स 1926 में लिखते हैं कि पौधे भी दर्द, स्नेह आदि का अनुभव कर सकते हैं। तो अभी देखिए कि इतना सब कुछ रिसर्च करने में प्राय उनका पूरा जीवन निकल गया, और हम उनका सम्मान करते हैं, महान वैज्ञानिक थे, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद को पढ़ लिए होते तो उतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी, घूम फिर के आए उसी बात पे, तो फायदा क्या? ओके, भविष्यवाणियां। भगवान बुद्ध। ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धौ नामना जन्न सुतः कीकटेशु भविष्यति। तब कलयुग के प्रारंभ में गया प्रदेश में अंजन के पुत्र बुद्ध के रूप में भगवान उन लोगों को मोहित करने के लिए उत्पन्न होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो यानी कि ये श्रीमद् भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई थी, और भगवान बुद्ध आज से 2500 साल पहले आए थे, तो 2500 साल के आगे की बात बता दी, और कलयुग के बारे में भी सब कुछ बता दिया, और वो समय अभी भी होते हुए देख रहे हैं किस प्रकार से राजा जो है वो दस्यु के समान हो जाएंगे, लोगों की उम्र कम हो जाएगी, उनका साइज कम हो जाएगा, बुद्धि कम हो जाएगी, सब कुछ। चाणक्य। नवनंदान द्विजह कश्चित प्रपन्नानुद्धरिष्यति तेषां भावे जगतिम मौर्यां भोक्षन्ति वै कलौ। कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उनके 8 पुत्रों के साथ विश्वासघात करेगा और उनके वंश का विनाश कर देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्यगण विश्व पर शासन करेंगे।
चंद्रगुप्त एवं अशोक स एव चंद्रगुप्तम वै द्विजो राज्ये भिषष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाएगा जिसका पुत्र वारिसार होगा, वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। तो अब सभी लोग स्वीकार करेंगे कि चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, अशोक थे, और सबके बारे में भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले कर दी गई थी। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 31 के 1-5 श्लोक में भूर्ण विज्ञान वर्णन है जो आधुनिक भूर्ण विज्ञान की ही व्याख्या है। यानी कि एक, लेकिन इससे पार बात यह है कि आजकल का भूर्ण विज्ञान ये नहीं स्वीकार करता है कि जीवात्मा जीवित होता है माँ के गर्भ में, इसलिए बड़ी आसानी से इसको अबॉर्ट कर देते हैं। अबॉर्ट तो ऐसे करते हैं जैसे हम लोग कभी इंस्टॉलेशन करते हैं ना सॉफ्टवेयर का लैपटॉप पे, तो दे वुड यू लाइक टू कैंसिल इट, अबॉर्ट इट, तो हम लोग कैंसिल बटन दबा देते हैं। ऐसा नहीं होता है माँ के गर्भ में, बल्कि इस प्रकार से अबॉर्ट करने वालों को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये सब पाप है, और आंखें बंद कर लेने से या ये बोल देने से कि अरे पाप और पुण्य कुछ नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। छठा पॉइंट है, श्रीमद् भागवत में अणु का वर्णन, चरमः सद्विशेषणम् अनेको संयुतः सदा परमाणु सह विज्ञेयो नृणाम एक्य भ्रमो यतः। भौतिक अभिव्यक्ति का चरम कण जिसका कोई स्वरूप नहीं है तथा अदृश्य है अणु कहलाता है, सभी आकारों के समाहित हो जाने पर भी वह अदृश्य एकात्म रूप में रहता है। भौतिक शरीर ऐसे ही अणुओं के संगठन से बना है, किंतु सामान्य लोग इसे नहीं समझ पाते। अर्थात अणु का विज्ञान भी श्रीमद् भागवत में है। तो सोचिए कितना सुंदर ग्रंथ है और महान ग्रंथ है। विज्ञान सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी भी आ गया, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ श्रीमद् भागवत में आ गया। योग, वास्तुशास्त्र, समाधि, ये सब वैदिक वरदान हैं जो आज आधुनिक लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। प्रश्न 8, क्या वेद आज के लिए उपयुक्त हैं? यस, हमेशा के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि वेदों का पालन करके व्यक्ति सदगति को प्राप्त होता है। वो सीखता है कि इस जीवन में कैसे सुखी हो और आगे भी उसकी सदगति कैसे हो। यहाँ पे हम रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।